जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 5 बच्चों आज हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणियां। बच्चों कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कभी ध्यान देते हैं और कभी नहीं भी देते हैं, है ना। पैटर्न्स कैसे, पैटर्न्स देखो, जैसे कि आज एक लड़की की सैलरी 10,000 है, 500 रुपया उसका हर साल बढ़ जाता है, तो अब 10,500 हो जाएगी अगले साल, फिर उसके अगले साल जाओगे तो 11,000 हो जाएगी, ऐसे 500 रुपया उसका हर साल बढ़ता जा रहा है, क्लियर। कुछ पैटर्न्स ऐसे दिखाने वाले बोलूँ तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपके घर में सीनरी हो, या आपके घर में लैडर होती है ना अपनी, सीढ़ी वगैरह यानी स्टूल भी हो सकता है, तो ऐसे सकरा होता जा रहा है ना, उल्टा देखें तो बड़ा होता जा रहा है, यानी एक पैटर्न तो है बेटा, बढ़ रहा है ऐसे समझो तो घट रहा है, लेकिन कोई पैटर्न तो है ना। अपना जो घर के जीने हैं वो बिल्कुल समांतर ऐसे लगे हैं तो एक जैसे हैं, चलो यही सही, एक जैसा पैटर्न है, पैटर्न तो है कुछ ना कुछ, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पैटर्न होती है, यानी कि एक उसकी अनुकृति होती है, ठीक है। अब अगर मैं इनको कॉमा लगा कर लिख दूँ तो इसको कहते हैं सीक्वेंस, हिंदी में कहेंगे अनुक्रम। अगर हमने ये जो टर्म्स हैं, टर्म्स यानी पद, इनको कॉमा लगाकर लिख दिया तो इन्हें हम सीक्वेंस या अनुक्रम कहेंगे, और अगर हम इनके बीच में प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन या फिर एक प्लस एक माइनस इस तरीके के कोई साइन लगा देना तो फिर वो श्रेणी यानी कि सीरीज बन जाती है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया, सीक्वेंस और सीरीज यानी अनुक्रम और श्रेणी का अंतर ये है, अनुक्रम में कॉमा लगता है दो टर्म्स के बीच में, और श्रेणी में कोई चिन्ह उनको कनेक्ट करने वाला, चाहे प्लस हो चाहे वो माइनस हो, वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब श्रेणी भी कई प्रकार की होती है, मैं आपको बताऊँ, श्रेणी कम से कम 3 प्रकार की तो होती ही है, उसके बाद भी होती है। सबसे पहले होती है AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, फिर होती है GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, फिर होती है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी, है ना। इसके बाद अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक होती है, स्पेशल सीरीज होती है, बहुत सारी सीरीज होती हैं, इनफाइनाइट सीरीज, मतलब बहुत सारी सीरीज होती हैं, लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, बहुत सारी। तो अभी हम इन 3 से ही गो थ्रू होंगे, और आपके सिलेबस में तो मुझे लगता है सिर्फ AP ही है, GP और HP भी नहीं है। तो AP, अब AP क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। पहला एक टर्म है, समझो A है, इसमें मैंने D जोड़ दिया तो दूसरा टर्म आ गया। अब इस दूसरे में मैंने एक और D जोड़ दिया तो A प्लस D प्लस D, तो ये क्या बन गया, A प्लस 2D। अब इसमें एक और D जोड़ दिया तो क्या बन गया, A प्लस 3D, ऐसे चलते चले जाओ, है ना। इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ AP कहते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसको हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके बेटा। अब इसमें एक पहला टर्म होता है, फिर उसमें कुछ जोड़ो तो दूसरा आता है, तो ये हम जो जोड़ते हैं ना, जैसे इसमें हमने D ऐड किया, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना, हिंदी में बोले तो सार्वांतर या सर्वांतर कुछ भी कह सकते हो, ये सर्वांतर है, और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि प्रीवियस टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो तो अगला टर्म बन जाता है, या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं कि दूसरे टर्म में से पहले वाले को माइनस कर दो तो D आ जाएगा। A2 मतलब दूसरा टर्म, A1 मतलब पहला टर्म, A2 माइनस A1 करने से क्या आएगा, D, A2 है आपका, ये पूरा A2 है, इस A2 में से A को माइनस किया, A से A कट गया, D बच गया, है ना। अगर मैं A3 माइनस A2 करूं बेटा, यहाँ करते हैं, A3 कितना है अपना, A3 है A प्लस 2D, है ना, इसमें से हम माइनस करते हैं A2, A2 क्या है A प्लस D, ओपन किया
तो a प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, तो a से a कैंसिल, 2d माइनस डी किया तो d, तो आ गया ना d, तो a3 माइनस a2 करने से भी d, अगर मैं a4 माइनस a3 करूँ तो भी d, ऐसे ही चलते चले जाऊँ। अगर मैं a k में से एक कम यानी a k माइनस वन वा टर्म माइनस कर दूँ तो भी d आएगा। तो व्हाट इज d? D is the difference of two consecutive terms of an AP. D किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर होता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? अब ये जो D है ना बेटा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। जीरो यानी अगर कोई सीरीज है ना, टू 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 टू, हाँ है, ऐसी सीरीज भी होती है। मैंने आपसे क्या कहा, आपके घर के सारे जीने एकदम बराबर है, बराबर लेंथ के, बराबर उसकी विड्थ है, बराबर उसकी हाइट है ना, सब कुछ एक जैसा है, तो वही सीरीज कहलाएगी। ठीक है ना, अगर सर्वांतर जीरो होगा तो भी वो एक सीरीज कहलाएगी। क्लियर? तो ये जो अलिफ में, अच्छा और सुन लो, एक चीज़ याद आ गई है, वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि जिस श्रेणी के पदों की संख्या निश्चित होती है उसे हम परिमित श्रेणी कहते हैं, और जिस श्रेणी के पदों की संख्या असीमित होती है, अनंत होती है, उसे हम अपरिमित श्रेणी कहते हैं। नंबर अ सीरीज हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन एज फाइनाइट सीरीज, एंड अ सीरीज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन एज इनफाइनाइट सीरीज। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अभी इसके बारे में बहुत सारी चर्चा बाकी है, वो एक्सरसाइज 5.2 जब शुरू करेंगे ना तब करेंगे। बस एक आखिरी चीज़ सुन लीजिए, इसको प्रोग्रेशन पी क्यों लगा दिया यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहे हैं सीरीज, तो ए एस होना चाहिए, अरिथमेटिक सीरीज। और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या फ़र्क है? अरिथमेटिक सीरीज मीन सीरीज, वो कैसी भी हो सकती है, प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रही है, वो अगला टर्म पिछले वाले से बढ़ गया, चाहे वो माइनस टू हिसाब से बढ़ा, चाहे वो जीरो हिसाब से बढ़ा, चाहे वो टू हिसाब से बढ़ा, लेकिन वो बढ़ गया, इसलिए इसको प्रोग्रेशन कह देते हैं। बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू कर सकते हैं अपना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हेयर इज द क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कि सबसे पहले आप जितना भी जाओगे, पहला किलोमीटर जो है वो 15 रुपये का आपको पड़ेगा, या फिर आधा किलोमीटर पर भी उतर जाओगे ना तो 15 तो देने ही देने। अब इसके बाद तुम जितने किलोमीटर बैठोगे ना उस गाड़ी में, एक किलोमीटर के आपको 8 रुपये देने हैं। तो अब आप एक किलोमीटर गए बेटा तो 15 रुपये देने ही देने हैं। दो किलोमीटर हो गया तो 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23। तीन किलोमीटर गए तो 23 प्लस 8 कितना हो गया? 31। फिर आ जाएगा 39। क्या ये अरिथमेटिक सीरीज हुई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ? यस। क्यों हुआ? क्योंकि अगला टर्म पिछले टर्म में 8 को जोड़कर आया है। क्लियर? सिंपल है ना? अब आ जाओ इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो इसको ध्यान से देखना। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, मालूम नहीं कितनी हवा है इसके अंदर, लेकिन जितनी भी है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ना, आयतन, वो मैंने ले लिया वी। अब आपने एक पंप लगा दिया इसमें, वो इसकी हवा को सक कर रहा है, खींच रहा है। अब वो खींच किस हिसाब से रहा है? एक बार आपने ऐसे होता ना, वो नहीं होता अपना टायर में जो भरते हैं ना हवा, तो ऐसे से वो भरता है, समझो ये निकाल रहा है, उल्टा काम हो रहा है, ठीक है। आपने उसको एक पंच मारा, अब उसने हवा निकाल दिया, कितनी निकाली?
एक बटे चार, देखो पहले कितनी थी, वी थी शुरू शुरू में, है ना, इसमें से एक बटे चार उसने निकाल दी, यानी वी में से वी अपॉन फोर, एक बटे चार, वी की एक बटे चार इसमें से निकाल दीजिए, कितना आएगा, फोर वी माइनस वी अपॉन फोर, यानी कि थ्री वी अपॉन फोर। ठीक है, अभी पहले वी थी, अब कितनी रह गई, अब रह गई थ्री वी अपॉन फोर। अब आपने एक बार उसको और पंप किया, तो अभी थ्री वी अपॉन फोर रह गई थी, इसमें से इसका वन फोर्थ, इसका एक चौथाई कितना होगा बताओ, थ्री वी अपॉन फोर है, इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा, थ्री वी अपॉन सिक्सटीन, इतनी हवा ये निकाल देगा, तो कितनी बचेगी, थ्री वी अपॉन फोर पहले बच गई थी ना, ये रही थ्री वी अपॉन फोर, इसमें से थ्री वी अपॉन सिक्सटीन इससे निकाल दी, एलसीएम आ गया 16, ये हो गया 12v माइनस 3v, ध्यान से देखो तो 9v अपॉन 16, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, है ना, और 16 क्या होता है 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर v। नहीं समझ में आया इसको जो मैंने अभी समझाया, उसको एक बार दोबारा चला लेना वीडियो को, तब आ जाएगा। अब आपके उसमें कितनी हवा बची है सिलेंडर में, अब आपकी बची है 9v अपॉन 16, बोलो इतनी बची है कि नहीं, इतनी बची है ना। अब इसका भी 1/4 वो निकाल रहा है, यानी कि 9v अपॉन 16 का 1/4 निकाल रहा है, तो कितना निकाल देगा, 9v अपॉन 64 निकाल देगा, इतना था, इसमें से उसने 9v अपॉन 64 निकाल दिया, देखें कितना बचा, एलसीएम आ गया 64, 64 को 4 से डिवाइड किया, 4, 4, 9 जा 36v माइनस 9v, 36 में से 9 गया तो कितना बचा, 27 अपॉन 64, 27 क्या है 3 क्यूब, 64 क्या है 4 क्यूब, तो ये हो गया 3 अपॉन 4 का होल क्यूब, क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों बन गया 3 अपॉन 4 का होल क्यूब v एंड सो ऑन। ठीक, अब मैं अगले पेज पर ये चेक करती हूँ कि क्या ये एपी बना, देखो सबसे पहले v था, इसके बाद हो गया v अपॉन 3, थ्री वी अपॉन फोर, फिर हो गया 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इंटू वी, फिर हो गया 3 अपॉन 4 का होल क्यूब इंटू वी, ऐसे आता गया। इसको ओपन किया, एक तो v, फिर 3v अपॉन 4, फिर 9v अपॉन 16, फिर 27v अपॉन 64 एंड सो ऑन। चलो अब चेक करते हैं, d निकालते हैं, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 3v अपॉन 4 में से हमने v को सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन 1, एलसीएम आएगा 4, 3v माइनस 4v कितना आ गया, माइनस v अपॉन 4 आ गया ना, माइनस v अपॉन 4, है ना। अब d निकालो दोबारा, अब की बार ये मैंने क्या किया था बेटा, ये मैंने a2 माइनस a1 किया था, हाँ अब हम a3 माइनस a2 करके देखिए, क्यों, क्योंकि ये जो d है ना बेटा, ये सब जगह इक्वल होना चाहिए, ये थोड़ी कि इसमें हमने 5 जोड़ दिया, इसमें हमने 7 जोड़ दिया, एक चीज़ सब में जुड़ेगी। तो चेक करते हैं इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या सेम आता है, अगर ऐसा करने से d एक जैसा आ गया तब तो ये भी है, नहीं तो नहीं है। अब हमने a2 माइनस a1 निकाला, कितना आया, v माइनस v अपॉन 4, अगर यहाँ से भी माइनस v अपॉन 4 आ गया ना तब ये ap है, ये क्या होगा, 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4, एलसीएम लिया 16, 9v माइनस 12v कितना आ गया, माइनस 3v अपॉन 16, तो क्या ये और ये इक्वल आए, बिल्कुल भी नहीं आए, है ना। अब आप इसको शब्दों में चाहो तो बस, ये सवाल थोड़ी एग्जाम में आएंगे, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है आपकी, है ना, तो लिख देंगे अगर आ जाता है, मान लीजिए कि चूंकि डी सेम नहीं है, सब जगह सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, सिंस डी इज़ नॉट सेम देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर।
चलिए बहुत सिंपल है, अभी किया था ना वैसा ही है, टैक्सी के जैसा, टैक्सी फेयर वाला किया था ना। तो पहली बार जब वो खोदने आएगा तो 150 रुपये चार्ज करेगा, उसके बाद आप जितना खुदवाते जाओ हर मीटर का 50 रुपये बढ़ाता जाएगा। ये एक मीटर तक हो गया, 2 मीटर खुदवाएंगे आप तो 200 रुपये लेगा, 3 मीटर खुदवाएंगे तो 250 लेगा, 4 मीटर खुदवाएंगे तो 300 लेगा, ऐसे बढ़ाता जाएगा। तो क्या ये एपी है? यस। क्यों? 200 में से 150 किया माइनस 50, 250 माइनस 200 50, दैट्स ऑल। तो ये ऐसा जाएगा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है बेटा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि, रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एन। आपने प्रिंसिपल आपका है 10,000 जमा कर दिया आपने, कितने टाइम के लिए कर दिया, मतलब ना टाइम नहीं मालूम, और राशि कितनी है 8%, ये है। तो पहले साल कितना पैसा मिल जाएगा? इतना मिलेगा, और इसके भी पहले लगा लो 10,000, शुरू में आपके पास 10,000 थे, उसके बाद आपका अमाउंट इतना हो गया। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, याद है, ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 ये होता है कि नहीं होता है, है ना। तो अमाउंट, तो पहले साल आपके पास 10,000 रुपये थे बेटा, एक साल बाद तो इतने हो जाएंगे, दो साल बाद कितने हो जाएंगे, दो साल बाद इतने हो जाएंगे, तीन साल बाद इतने हो जाएंगे, एंड सो ऑन। आपको क्या लगता है, जब हम सेकंड में से फर्स्ट को और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपको सेम चीज़ मिलने वाली? आप करके देख लेना, बिल्कुल भी सेम चीज़ नहीं मिलेगी। यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अलग वैल्यू आएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, यानी डी सब जगह सिमिलर नहीं है। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन एपी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. Part number A, A आपका 10 है बेटा और D भी आपका 10 है। शुरू हो जाओ, सबसे पहले आता है A तो वो 10 आएगा, फिर आता है A plus D, दूसरा पद क्या होता है A plus D तो कितना हो जाएगा 20, फिर होता है A plus 2D तो ये A है प्लस 2 इंटू डी, है ना। तो 10 प्लस 20 कितना 30, फिर चौथा पद आएगा, कैसे आएगा, ए प्लस 3D करके, है ना। ए कितना है 10, यहाँ लिखते हैं ए कितना है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ए प्लस 3D, ये चौथा पद हो गया। तो ए यानी कि 10 प्लस 3 इंटू डी भी 10, तो ये हो गया 10 प्लस 30 यानी कि 40। तो 10, 20, 30, 40। आप बोलोगे मैम सिंपल तो था, डायरेक्ट कर देते, तो पैटर्न तो सीखना पड़ता है ना, अगर टिपिकल आ जाएगा फिर क्या करोगे। सेकंड पार्ट, अभी ए है -2 और डी है 0, ये तो सिंपल है, -2, -2, -2, -2, जोड़ते जाओ ना 0, 0, और करना ही क्या है इसमें। पार्ट नंबर 3 पर आइए, थर्ड पार्ट में ए है 4 और डी है -3, तो ए तो हो गया 4, डी है -3, तो 4 - 3 करोगे तो आएगा 1, फिर 1 - 3 करने से आएगा -2, फिर -2 - 3 करोगे तो -5, ऐसे। पार्ट नंबर 4 पर आ जाइए, ये है ए है आपका -1, इसमें आप -1 में जोड़ दोगे 1/2, तो एलसीएम लिया, ये आ जाएगा -2 + 1/2 यानी कि -1/2। अब -1/2 में आप 1/2 जोड़ दो, -1/2 में आप 1/2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपको क्या लगता है, -1/2 + 1/2 करने से 0। अब आप 0 में फिर -1/2 फिर +1/2 कर दो,
अब आ जाएगा 1/2। मैंने क्या किया, ए लिखा, ए में डी को जोड़ा, ये आया, फिर इसमें फिर से डी को जोड़ा तो 0 आया, 0 में फिर से डी को जोड़ा तो 1/2 आ गया। अब आ जाइए लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। इस बार ए है माइनस 1.25, इसमें देखो माइनस 1.25, इसमें आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, माइनस 0.25, माइनस 0.25 इनको जोड़ना है, तो ये माइनस ही रहेगा और हो जाएगा 1.50। तो ये हो जाएगा माइनस 1.50। अब माइनस 1.50 में, 0 में भी आपको क्या जोड़ना है, माइनस 0.25 इनको जोड़ना है, तो हो जाएगा माइनस 1.75। क्लियर? अब इसमें भी आपको क्या जोड़ना है, 0.25 माइनस का जोड़ दिया, तो ये पूरा का पूरा 2 बन जाएगा, वो भी नेगेटिव। इस तरह से ये चार टर्म्स पार्ट 5 में भी आ गए। ठीक है बेटा, तो जो मैंने अभी आपको सिखाया आपको समझ में आया, क्योंकि ये बेस बन गया आपका, और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इस क्लास में भी है वैसे तो, और 11th में तो काफ़ी आगे जाओगे आप। ठीक है ना, तो बस बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।